सरकार के नियत और इनके टैक्स टेररिज्म पॉलिसी का एक अगला और बड़ा भयानक अध्याय है। उन्होंने 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को जो ग्रांट्स दिए थे उन ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने का प्रपोजल दिया है और सभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को और सारे इंस्टीट्यूट्स को एक शो कॉज नोटिस दिया है कि भाई 2017 से अभी तक आपको जितने भी रिसर्च ग्रांट मिले उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। लगभग 220 करोड़ के आसपास की जीएसटी का इन्होंने डिमांड किया है, जिसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटी दिल्ली भी शामिल है। ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि आप रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगा रहे हो। सरकार का ये आर्ग्यूमेंट है कि चूंकि रिसर्च एक सर्विस है और सर्विस प्रोवाइड कर रही है इसलिए उस पर जीएसटी लगनी चाहिए। ये बहुत ही हास्यास्पद आर्ग्यूमेंट है। रिसर्च जो अनुसंधान होता है वो ह्यूमन काइंड के लिए सर्विस होता है, ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस होता है। आने वाले अनंत काल तक जीवन काल में सभी लोगों की सेवा के लिए जरूरी होता है रिसर्च। रिसर्च R&D ये देश को आगे भी बढ़ाता है। तो देश के विकास जिस पर आधारित है, देश का विकास जिस पर आधारित है उस पर आप GST लगा रहे हो, ये टैक्स टेररिज्म है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो GST कमीशन की मीटिंग होने वाली है अभी अगले कुछ दिन में होने वाली है, हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि आप इसको बिना शर्त वापस लीजिए। अगर आप वापस नहीं लेंगे तो आम आदमी पार्टी हर एप्रोप्रिएट फोरम पर इसकी विरोध में आवाज़ उठाएगी और इसको हर संभव प्रयास करेगी कि इसको सरकार वापस ले। दोस्तों ये बहुत ही अजीब परिस्थिति है। जो GST लगाने की बात जिस पर ये कर रहे हैं, आप देखोगे कि जो रिसर्च की फंडिंग होती है उसका यूज़ किस पे होता है, तीन मोटे मोटे चीज़ों पर यूज़ होता है। एक तो जो बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उसके स्कॉलरशिप पे पैसा जाता है, दूसरा जाता है कंज्यूमेबल पर, मतलब कि जो केमिकल्स खरीदते हैं रिसर्च के लिए कंज्यूमेबल उस पर, और तीसरा जाता है रिसर्च इक्विपमेंट्स पर। तो रिसर्च इक्विपमेंट्स खरीदते समय ऑलरेडी जब खरीदा जाता है तो उस पर टैक्स दिया जाता है। जो कंज्यूमेबल आप खरीदते हो उस पर हर कंज्यूमेबल पे ऑलरेडी टैक्स लगा होता है। अब बच जाता है जो रिसर्च स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनके 20-25-50 हज़ार के जो स्कॉलरशिप है उस पर। तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को अडानी और अंबानी पे कोई टैक्स नहीं लगाना है, मेरे को लगाना है ये बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर है जिनको 20,000-25,000 स्कॉलरशिप मिल रहा है उस पर टैक्स लगाऊंगा। तो एक तो आप ऑलरेडी टैक्स ले रहे हो, आपको तो इन सारी चीजों पे पूरी तरीके से टैक्स एग्जम्पशन करना चाहिए, बजाय इसके एग्जम्पशन और करने के आप इस पर एक डबल लेयर ऑफ टैक्सेशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ये समझ से किसी के भी परे है। आप एक चीज और मानिए कि अमेरिका में ये टैक्स एग्जम्प्टेड है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इंग्लैंड पे इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, जर्मनी पे कोई टैक्स नहीं लगता, साउथ कोरिया पे कोई टैक्स नहीं लगता, सिंगापुर पे कोई टैक्स नहीं लगता, कनाडा पे कोई टैक्स, किसी भी विकसित और विकासशील देश पर आप उठा लीजिए, R&D पे शायद मोदी सरकार ही है जो परचम लहरा रही है कि भाई हम R&D पे टैक्स लगाएंगे। भाई साहब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, देश को बर्बाद मत करो, जो बचा खुचा है उसको छोड़ दो, इसको तुरंत आप वापस करो। आज तक आपने ये सोचा है कि कितना पैसा सरकार रिसर्च और ये इन्वेस्टिगेशंस और ये सब बच्चों की पढ़ाई में हायर स्टडीज के लिए देती है? आप अगर देखेंगे तो US जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, लगभग 57 बिलियन US डॉलर हर साल देती है, 57, और चाइना कितना देती है, 87 बिलियन US डॉलर। इंडिया कितना देती है, 2.5। ये मजाक है, ये मजाक है। तो एक तरफ तो आप पैसे दे ही नहीं रहे हो, दूसरी तरफ जो पैसे दे रहे हो उस पर आप टैक्स लगा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? आपकी जो रिसर्च कम्युनिटी है, जो बच्चे हैं, जो रिसर्च कम्युनिटी है, साइंटिस्ट है, ये अपने रिसर्च के हॉरिजॉन को बढ़ा रहे हैं। आजकल नए नए क्षेत्र पे वो एम्बिशियस रिसर्च कर रहे हैं, उनमें भावना है कि वो बहुत अच्छा करें, लेकिन क्या सरकार अपने तरफ से कुछ कर रही है, ये देखने वाले। क्या सरकार ने आज तक ये सोचा है कि बच्चों के लिए जो रिसर्च फैसिलिटी है, रिसर्च स्टूडेंट के लिए, क्या वो एप्रोप्रिएट है? मैं बताता हूं, मैं भी साइंटिस्ट हूं, एक छोटे से टेस्ट करने के लिए आपको महीनों इंतजार करना पड़ता है, और ये मैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं। अगर आप सेकेंड लेवल के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें कहोगे तो 6-6, 7-7 महीने हो जाते हैं एक छोटे से टेस्ट के लिए, और आप कहते हो देश को महान देश की तरफ लेकर जाओगे, कैसे पॉसिबल? क्या मोदी जी से मेरे 2-3 सवाल है, क्या आपने कभी ये सोचा है
कि रिसर्च स्टूडेंट्स जो टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी आप उनके साथ बैठ के बात की हो, कभी कोशिश की हो, कभी आपने रिसर्च कम्युनिटी से ये पूछा है कि आपके ओवरऑल आपको और क्या फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पीएचडी स्कॉलर्स जो बाहर आते हैं उनकी रोज़गार की क्या व्यवस्था है, वो कहाँ रोज़गार मिल रहा है, उनको रोज़गार मिल रहा है नहीं मिल रहा है? आपने कभी भी रिसर्च कम्युनिटी के बारे में या फिर ओवरऑल आरएनडी के को ध्यान में रखकर कुछ भी किया? किया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, आपको आइडिया ही नहीं है, आपको बस एक ही काम करना है, डंडा चलाना है। ये है कि भाई हाँ भाई आप आओ, आप पे इतना टैक्स लगा दो। मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास के जीवन को आपने टैक्स 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 करके उसकी जीवन को आपने तबाह कर रखा है। अब मिडिल क्लास से उभरने के बाद जो थोड़ा आपको दिख रहा है, रिसर्च में दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, एजुकेशन पे आप पहुंच रहे, तो देश को बर्बाद करना बंद करिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है और भारतीय जनता पार्टी से कि इन सबसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ जोड़ से जोड़ के आपसे निवेदन है कि अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है इसमें आप विड्रॉ करिए इस प्रपोजल। थैंक यू सर। इसके अतिरिक्त एक सवाल है, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन शुरू हो गया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की क्या स्थिति है ये पता नहीं है, इसी हिसाब से आप लोग कैंडिडेट की अपनी लिस्ट कब जारी कर रहे हैं, कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े ये तो बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। देखिए जितनी भी जानकारी आपके पास है मेरे पास भी आज जानकारी उतनी है। राघव जी ने कल आप लोगों को ब्रीफ किया होगा, अभी हम सबके पास जानकारी उतनी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वॉलेंटियर्स, कार्यकर्ता और लीडरशिप की तरफ से मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, हम पूरी तरीके से तैयार है, पार्टी के ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। वर्ड गो मिलते ही हम सारा अनाउंस कर देंगे, हम हर सीट पर हर जगह पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो भी हमें कमजोर आंकेगा वो भविष्य में स्वयं पछताएगा। ये अलग अलग चीज पे अलग अलग लगाया हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिवली 120 करोड़ का तो इन पे ही लगा हुआ है, आईआईटी दिल्ली में ही। ये अराउंड 30% से लेके 20-30% के आसपास का कुछ एक नंबर है, वो एक बारी वेरीफाई करना पड़ेगा, और ये भी वेरिंग नंबर्स लगाए हैं, अलग अलग टाइप के ग्रांट्स हैं, तो हर अलग अलग टाइप के ग्रांट्स पे ये अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। सर ये खबर आ रही है 5 सीट पे सहमति बनी है कांग्रेस और आपके बीच में, इसमें क्या सच्चाई है, क्या डिस्कस पे पहुंचे? देखिए मीडिया में रोज सुबह शाम सीट्स और ये रोज सुबह शाम आते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, आप ही मुझे बता रहे हैं, अब आप ही इसको कन्फर्म करिए।